तो स्टूडेंट 94 नंबर क्वेश्चन जो है आप देखिए, ये भी कुछ क्वेश्चन इसी तरह का क्वेश्चन है जहां आप समझ जाएंगे कि 94 जो है कॉस इनवर्स में एक्चुअली में ना यहां पे डोमेन पूछा जाना चाहिए कि डोमेन क्या है इस फंक्शन का, लेकिन यहां पे पूछा गया है कॉस इनवर्स 2x-1 ये किस वैल्यू के इक्विवेलेंट है, कौन सा ऑप्शन सही है। तो यहाँ जो होना चाहिए वो होना चाहिए डोमेन ऑफ कॉस इनवर्स 2x-1, यहाँ डोमेन पूछना चाहिए, मतलब क्या x का वैल्यू क्या हो ये पूछा जाना चाहिए। तो आप समझिए कॉस इनवर्स जो होता है, कॉस इनवर्स के अंदर जो ये वैल्यू होते हैं ना, ये वैल्यू -1 से 1 के बीच लाई करता है, क्योंकि ये पूरा एक रेंज है, ये एक पूरा रेंज है और इसके अंदर जो ये 2x-1 है एक डोमेन है। तो डोमेन कभी भी कॉस इनवर्स फंक्शन का जो डोमेन होता है वो -1 से 1 होता है। इसका मतलब क्या, यदि कॉस इनवर्स x हो तो उसका डोमेन क्या होता है, -1 से -1 से 1 के बीच में होता है। ये कॉस इनवर्स फंक्शन है, इसका डोमेन है, तो डोमेन ये नहीं होगा, डोमेन आपका यहाँ पर जो थोड़ा सा जो बात है वो डोमेन, मैं डोमेन की बात कर रहा हूँ, डोमेन जो कॉस इनवर्स में जो डोमेन होता है, यदि माने कॉस इनवर्स x यदि ये जीरो से यदि पाई के बीच में ये वैल्यू यदि लाई करता है, तो जो x के वैल्यू होते हैं वो वन से माइनस वन के बीच में लाई करता है। तो इसका मतलब क्या हुआ, कॉस इनवर्स के अंदर जो भी फंक्शन है वो कहाँ लाई करेगा, मतलब क्या 2x-1 ये -1 से 1 के बीच में ही ये वैल्यू रहेंगे, मतलब क्या जो इसके डोमेन है वो -1 से 1 के बीच में होगा। तो यहाँ से आप x का वैल्यू निकाल सकते हैं, 2x लेंगे तो ये x ये माइनस में है, इसमें एक जोड़ेंगे तो क्या होगा, इधर भी ऐड करना होगा, तो आप ऐड कर सकते हैं +1, ठीक है, और -1 और ये +1, यहाँ पर मैंने +1 किया तो ये +1 और -1 क्या हो गया, 0 हो गया। सिमिलरली +1 यहाँ भी हुआ है +1, मतलब हर एक में आप प्लस, क्योंकि मुझे x निकालना है, यहाँ से मुझे x फाइंड आउट करना है, x फाइंड आउट करने के लिए जो भी टर्म है उसे एलिमिनेट करना है, तो इसीलिए मैंने +1 किया, तो +1 यहाँ भी किया, +1 यहाँ भी, +1 में ये +1 और +1, तो ये -+ यहाँ कैंसिल हो गया। अब याद कीजिए ये भी 0 हो जाएगा, अब जो आपके पास बचा है ये 2 बचा है। अब यहाँ मुझे x चाहिए तो 2 से डिवाइड करूँगा मैं, 2 से ये भी डिवाइड हो जाएगा, 2 से इसी भी डिवाइड करने पे कैंसिल होगा और ये 2 से ये भी होगा। इसका मतलब जो आपके पास x का डोमेन वैल्यू ऑफ x जो होगा 0 से 1 के बीच में होगा, इसे आप इक्वल टू में भी कंसिडर कर सकते हैं कि ये इक्वल टू के वैल्यू में भी हो सकता है। इसका मतलब क्या, x जो बिलोंग करेगा वो कहाँ से करेगा, 0 से 1 के बीच में x का वैल्यू रहेगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पे वैल्यू ऑफ x जो होना चाहिए 0 से 1 होना चाहिए, क्योंकि ऑप्शन नहीं है, तो आप डी ऑप्शन लगा सकते हैं। तो एक्चुअली में ये जो होना चाहिए इक्वल टू नहीं होकर के ये होना चाहिए cos inverse 2x-1, फाइंड द डोमेन, ये होना चाहिए, ठीक है। चलिए, इफ tan inverse इक्वल टू x देन वैल्यू ऑफ sin 2a, देखिए tan inverse आपके पास दिया गया है, तो आप सिंपली समझिए कि a इक्वल टू, यदि आपके पास tan inverse है, a इक्वल टू आपके पास tan inverse है तो आप यहां से x का वैल्यू निकाल सकते हैं कि ये tan inverse इधर जाएगा क्या होगा, ये tan a होगा, ठीक है। यदि आपके पास tan a है तो क्या आप tan inverse है तो क्या आप sec a निकाल सकते हैं क्या, हाँ sec a आप निकाल सकते हैं, क्योंकि sec a का जो फॉर्मूला था वो क्या होता है, √1 + 1 + tan स्क्वायर a फॉर्मूला होता है। तो यहाँ से आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं sec inverse इक्वल टू 1 + tan स्क्वायर a, tan का वैल्यू x है तो x का स्क्वायर, ये हो गया आपका क्या sec a हो चुका है। तो अब यदि आप यहाँ से sec a निकाले तो cos a क्या होगा, cos a इसी के अपोजिट होगा, इसी का रिसिप्रोकल होगा, मतलब क्या 1 by √1 + x² होगा। यदि आपके पास cos है, यदि आपके पास sec है और tan भी आपके पास है और sin 2a पूछा गया, sin 2a का जो फॉर्मूला होता है 2 sin a इंटू
कॉस ए होता है। तो देखिए आपके पास क्या है, आपके पास क्या है, कॉस ए है और आपके पास साइन ए फाइंड आउट करना है। तो साइन ए भी आप फाइंड आउट कर सकते हैं, आप साइन ए फाइंड आउट कर सकते हैं। साइन ए फाइंड आउट करना हो तो आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं, या 10 से भी फाइंड आउट कर सकते हैं कि 10 यदि आपके पास है तो आप बोल सकते हैं कि साइन बाय कॉस, साइन थीटा बाय, ये ए के टर्म में लिखिए इसे, ए के टर्म में ए साइन ए आपको फाइंड साइन बाय कॉस, कॉस ए इक्वल टू क्या होगा आपके पास 10 ए, ठीक है। और देखिए 10 ए तो आपके पास क्या है, साइन का वैल्यू फाइंड आउट करना है, साइन का वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो ये जो कॉस ए है 10 के साथ मल्टीप्लाई आ जाएगा, तो साइन ए, साइन ए इक्वल टू 10 ए और कॉस मल्टीप्लाई होगा क्या होगा, कॉस ए, यहाँ से भी फाइंड आउट कर सकते हैं 10 ए। देखिए क्या है आपके पास, 10 ए क्या है, 10 ए क्या है आपके पास x है, तो यहाँ x लिखेंगे इनटू कॉस ए क्या है आपके पास, कॉस ए है 1 बाय रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो इसका मतलब क्या, साइन ए का वैल्यू आपके पास आ गया और कॉस ए का वैल्यू भी आपके पास है, तो इजीली आप ये फाइंड आउट करेंगे साइन 2a, 2a इक्वल टू 2 इंटू साइन ए, साइन ए क्या है आपके पास x बाय रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू कॉस ए, कॉस ए क्या है आपके पास, कॉस ए है 1 बाय रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो साइन 2a इक्वल टू, देखिए 2a ये 2x बाय ये रूट, ये रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा, ये रूट और रूट कैंसिल आउट होगा, स्क्वायर एक तरह से हो जाएगा, ये बचेगा क्या 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये रूट और रूट जब मल्टीप्लाई में जाएगा तो ये रूट कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 2x बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ऑप्शन देख लीजिए कौन सा है आपके पास, 2x 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये सी ऑप्शन एक सही ऑप्शन है और इस तरह से क्वेश्चन आपका सॉल्व हो सकता है। तो यहाँ पर जो फॉर्मूला लगा है वो फॉर्मूला साइन 2a का लगा है, जहाँ पर आपको साइन a चाहिए कॉस a चाहिए, जो हमारे पास दिया गया है विद द हेल्प ऑफ a टेन इनवर्स x के मदद से आप साइन a निकाल लीजिए और कॉस a का वैल्यू निकाल करके इस फॉर्मूला में रखेंगे तो साइन 2a इजीली फाइंड आउट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास है फाइंड द वैल्यू ऑफ टेन इनवर्स a माइनस बी ए 1 प्लस ए बी। देखिए ये एक फॉर्मूला है, एक सिंपल सा ये जो है इसका फॉर्मूला होता है, वो फॉर्मूला क्या है आपके पास, यदि आप यहाँ पे देखेंगे तो आप सही से देखिए तो 10 इनवर्स ए माइनस बी 1 प्लस ए बी प्लस 10 इनवर्स बी माइनस सी बाय 1 प्लस बी सी प्लस 10 इनवर्स सी माइनस ए 1 प्लस सी ए। आप यहाँ सही से देखेंगे, यदि मैं आपको बोलूँ कि ये क्वेश्चन आपको देखने में लग रहा है कि बहुत ही जटिल है, बहुत ही लेंदी है, ऐसा कुछ भी नहीं है, थोड़े से इंजेक्शन की जरूरत है या कुछ आपको मानना होगा, जैसे कि मैं बोलता हूँ कि a का वैल्यू जो है आप कुछ समय के लिए 10x मान लीजिए, a का वैल्यू 10x, b का वैल्यू जो है आप मान लीजिए 10y, ठीक है 10y, और c का वैल्यू को आप मान लीजिए 10z। यदि इजीली ये सॉल्व करना है तो ये मैंने माना है लेफ्ट, ये मैंने माना है, माना है, ठीक है। तो देखिए अब क्या है, जहाँ जहाँ a है और जहाँ जहाँ b है, जहाँ जहाँ c है, वहाँ पर इन वैल्यू को आप रखिए, ठीक है। जहाँ 10x होगा वहाँ a रखेंगे, a के जगह 10x रखेंगे, b के जगह 10y रखेंगे और c के जगह 10z रखेंगे, ठीक है। तो रखिए आप पुट कीजिए तो क्या होगा, देखिए हमारे पास क्या आएगा, 10 इनवर्स a की जगह क्या रखेंगे, a की जगह हमें रखना है क्या 10x, ठीक है, माइनस 10y बाय 1 प्लस 10x इंटू 10y। देखिए ये जो वैल्यू रखा गया उसे मैंने सिंपली पुट किया, जो मैंने माना उसे सिंपली पुट किया है। इससे क्या फ़ायदा होगा मैं बताता हूँ, इससे क्या फ़ायदा होगा, 10x माइनस 10y 1 प्लस 10x 10y, ये एक फॉर्मूला है, एक फॉर्मूला है 10x माइनस y का फॉर्मूला है, ठीक है, ये फॉर्मूला है 10x माइनस वाई का एक फॉर्मूला है। सिमिलरली आप इसे भी यहाँ ले सकते हैं प्लस 10 इनवर्स बी के जगह आप ले सकते हैं क्या 10y, क्योंकि यहाँ दिया गया है देखिए बी इक्वल टू 10y, सी इक्वल टू 10z बाय 1 प्लस 10y
इंटू टेंजेंट जो दिया गया है, मैं सिंपली उसे पुट कर रहा हूँ सिर्फ कि बी सी, बी इंटू सी, बी सी को पुट कर रहा हूँ प्लस प्लस टेन इनवर्स, टेन इनवर्स ठीक है, सी माइनस ए, सी क्या है टेन, टेन सी है आपके पास जेड माइनस टेन एक्स बाय वन प्लस टेन जेड इंटू टेन एक्स ठीक है, ये आपके पास है। तो आप सब वैल्यू को आप सही से देखिए, एक सिंपल सा एक फॉर्मूला ये है, ये जो फॉर्मूला है ये फॉर्मूला होता है क्या, टेन 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 एक्स माइनस वाई का एक फॉर्मूला सिंपली ये बन जाएगा, क्या ये एक एक्स माइनस वाई का ये फॉर्मूला बनेगा, इसका मतलब क्या टेन इनवर्स, टेन इनवर्स इसका एक फॉर्मूला जो है ये किसका फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला है टेन एक्स माइनस वाई का फॉर्मूला है ठीक है, टेन एक्स माइनस वाई का फॉर्मूला। सिर्फ उसी तरह से इस तरह एक्स और वाई था, उसी तरह से ये क्या है वाई और जेड, तो ये टेन इनवर्स रहेगा, ये टेन इनवर्स एज इट इज रहेगा, लेकिन ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा टेन टेन y माइनस जेड बनेगा ठीक है, और ये बन जाएगा आपके पास क्या टेन टेन, और ये बनेगा जेड टेन जेड माइनस एक्स, ये बन जाएगा ठीक है। तो आप सिंपली देख सकते हैं कि जो वैल्यू यहाँ रखा गया है उसे मैंने सिर्फ पुट किया है ठीक है, जो वैल्यू को एज्यूम किया उससे पुट किया, इससे क्या फायदा है, टेन इनवर्स टेन कैंसिल आउट होगा, टेन इनवर्स टेन कैंसिल आउट होगा, और टेन इनवर्स टेन कैंसिल आउट होगा, तो क्या बचेगा आपके पास, बचेगा सिर्फ x माइनस वाई प्लस, यहाँ बचेगा y माइनस जेड, और यहाँ पर जो रिमेनिंग है वो बचेगा क्या z माइनस x। आप अच्छे से देखेंगे तो सारे वैल्यू सारे x y z वो कैंसिल आउट होगा, इसका मतलब क्या ये x कटेगा, z और z y और y, तो बचेगा आपके पास क्या जीरो, ऑप्शन देख लीजिए आपका डी ऑप्शन जो है सही ऑप्शन है, तो डी ऑप्शन एक सही ऑप्शन है। इस तरह से 96 नंबर का क्वेश्चन बेहद ही आसान क्वेश्चन था और थोड़ा ट्रिकी था, थोड़े से यदि एंजेप्शन को आप लेके चलेंगे तो इजीली सॉल्व हो जाएगा, इस तरह के क्वेश्चन एंजेप्शन से प्राय सॉल्व हो जाते हैं ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 97, टू टेन इनवर्स, टू टेन इनवर्स एक्स, ये सिंपली फॉर्मूला बेस्ड फॉर्मूला है, फॉर्मूला बेस्ड है क्वेश्चन, टू टेन इनवर्स का होता है टेन इनवर्स 2x by 1 minus x square। तो देखिए यहाँ पर जो भी 10 inverse के फंक्शन है, यदि 10 inverse में नहीं दिया गया है आपको इसे 10 inverse में कन्वर्ट करना होगा, तो 2 10 inverse x का जो फॉर्मूला बेस्ड होगा, तो इसे फॉर्मूला से फाइंड आउट कैसे, ऐसे 2 10 inverse का जो फॉर्मूला होता है वो कुछ इस तरह से होता है, 2 10 inverse x को आप लिख सकते हैं 10 inverse 2x by 1 minus x square, लेकिन यहाँ पे क्या है कि साइन के फॉर्म में सारे दिए गए हैं, सारे साइन के फॉर्म में दिए गए। तो स्टूडेंट जिस तरह से आपको देखा कि 10 inverse 2x 1 minus x square होता है 10 पे कर्व, 10 inverse पे कर्व, सिमिलरली 2 10 inverse x का एक और फॉर्मूला होता है साइन के कर्व में, तो साइन के कर्व में cos के टर्म में भी होता है, तो अभी फिलहाल 2 tan inverse x का जो फॉर्मूला है वो क्या होगा, ये आपका ऑप्शन हो जाएगा, आप देख लीजिए कौन सा ऑप्शन है, sin inverse 2x by 1 plus x square, तो आपका ये ऑप्शन सही ऑप्शन है 97 नंबर क्वेश्चन के लिए। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 98, x is greater than 0, y is greater than 0 and x y less than 1, तो 10 इनवर्स x प्लस 10 इनवर्स y, ये एक सिंपल सा फॉर्मूला है और ये फॉर्मूला कई बार यूज हुआ है, पूरे चैप्टर में जितना भी मैंने MCQ कराया है अब तक 97 क्वेश्चन करवाया है वहाँ पे बहुत बार ये फॉर्मूला यूज हुआ है। तो आप देखिए 10 इनवर्स x प्लस 10 इनवर्स y का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 10 इनवर्स x, यदि प्लस में है ऊपर प्लस होगा नीचे माइनस होगा, x 10 इनवर्स x प्लस y by 1 minus x। तो
और बेस्ट फॉर्मूले